हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडीज। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडीज, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है जो हम देखते हैं वो क्या है, हमारा अर्थ है जिस प्लेनेट के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक बॉल है जिसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, अर्थ, ठीक है। ये मैं एक कंप्लीट स्फेरिकल शेप मान के चल रहा हूँ, एक्चुअल में है नहीं, थोड़ा सा ऑबलेट टाइप में है, लेकिन मैं उसको स्फेरिकल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो अर्थ है वो आपका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, उसके अबाउट 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का कुछ इस तरह से नहीं है, वो कुछ टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से, जैसे ये आपका अर्थ है और ये वो एक्सिस है ना, लेकिन ये रोटेट करता है कुछ इस एक्सिस के अबाउट, देखिए कुछ इस एक्सिस के अबाउट, नो नॉट एट ऑल, इस तरह से, ओके, यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये ठीक नहीं बना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हम जो जेड एक्सिस मानते हैं और ये उससे एक एंगल क्रिएट किए हुए 23.5 डिग्री, ये जो एंगल है वो कितना है 23.5 डिग्री, 5 मिनट, ठीक है, कुछ इतना। तो अर्थ आपका कुछ इस तरह से रोटेट करता है और एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बात क्या है कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने इंडिया का मैप क्यों बनाया है, भाई इसका भी यूज़ करेंगे, कैसे, समझो। देखो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्या है क्वेश्चन कि देखो लेट अस से यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है, मान के देखो मैंने ठीक ठाक बनाया है, अच्छा नहीं बनाया मुझे पता है, लेकिन मान के चलते यहाँ पर दिल्ली है ना, आप समझ सकते हो, और यहाँ आप मान सकते हो मुंबई है, और कुछ यहाँ आप मान सकते हो विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है, और यहाँ कुछ आपके चेन्नई है, यहाँ बेंगलोर है, और यहाँ आप मान के चल सकते हो हैदराबाद है, ठीक है, ये हैदराबाद है, ठीक है, ये आपका दिल्ली है। अब देखो मान लो आप कोई एक बॉल लेते हो, कोई एक पार्टिकल लेते हो, कोई पत्थर लेते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, ठीक है, कोई एक फिक्स मतलब स्पीड कुछ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आर तो है नहीं, ज़्यादा है 100 किलोमीटर पर आर या फिर 200 किलोमीटर पर आर, ठीक है, इस स्पीड से आप उसको दिल्ली से लेकर आप विशाखापट्टनम की तरफ भेजते हो, ठीक है, एक पत्थर को आपने दिल्ली से विशाखापट्टनम की तरफ भेजा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके उसको भेज दिया, तो क्या ये पत्थर विशाखापट्टनम पहुंचेगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये पत्थर या तो यहाँ पहुंचेगा, या फिर यहाँ पहुंचेगा, या फिर यहाँ पहुंचेगा, कुछ हैदराबाद के पास में, ठीक है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ठीक है, इसका रीज़न ये है। तो लेट अस से देखो, ये आप अर्थ को मान के चल रहे हो, यहाँ पर कुछ आपका ये इंडिया का है, इंडिया मैप है, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पर भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पर भेज रहे हो। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने भेजा उसको पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, तो जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में आपका अर्थ क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, ठीक है, अर्थ रोटेट कर जाएगा। तो जो यहाँ पहुँचना था वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो कुछ यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, ये इसका रीज़न है। इसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट। आज के इस टॉपिक में और कल भी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से
डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, अगर ये मैं नॉर्थ मानूँ ये साउथ मानूँ, तो ये आपका वेस्ट है ये आपका ईस्ट है, तो अर्थ आपका हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, क्योंकि आपको जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट दिखता है, ठीक है। ईस्ट से वो सनराइज होता है और वेस्ट में जाता है, तो इस वजह से जो अर्थ का रोटेशन है वो उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब देखो, हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम कोई एक इनर्शियल फ्रेम मानेंगे और एक दूसरा फ्रेम मानेंगे जो उस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ में हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन और फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई एक फ्रेम मान लेते हैं जो कि क्या है, एस फ्रेम है, ठीक है। ये एस फ्रेम है ना, और ये मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ इसका, ठीक है, और ये जेड आई बोल देता हूँ, इनर्शियल है ये, इसका ओरिजिन है ये, एक्स आई बोल दिया मैंने, ये वाई आई बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं एक और फ्रेम मानता हूँ, है ना, और फॉर आवर पर्पज हम क्या मान लेते हैं कि उसका जो ओरिजिन है वो इस इनर्शियल फ्रेम के ओरिजिन से कोइंसाइड करता है, ठीक है। एक तो फ्रेम एस हो गया, एक और दूसरा फ्रेम एस प्राइम फ्रेम मान लेते हैं जो कि इस एस के रिस्पेक्ट में एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। और किस एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो दोनों का जो ओरिजिन है और जेड एक्सिस है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी वो एक्स वाई प्लेन में क्या करेगी, रोटेट करेगी विद पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो हम कोई एक दूसरा फ्रेम मान लेते हैं, लेट अस से वो किसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पर है, और यहाँ पर वो कैसे होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। ये होगा उसका एक्स आर रोटेटिंग, वाई आर रोटेटिंग और जेड आर इसके साथ ही क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो ये तो एस फ्रेम कुछ फिक्स है यहाँ पर, और एस प्राइम इसके रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है और जेड एक्सिस भी कोइंसाइड कर रहा है, ये सिनेरियो है। अब हम क्या मानते हैं, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है पी, ठीक है, जिसका मास एम है, उसका पोजीशन वो विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम जो कि क्या इनर्शियल है, वो कितना है, आर है, आर वेक्टर है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर। अब बात क्या आती है, एस प्राइम फ्रेम में उसका पोजीशन कितना होगा, वो भी आर ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि इनका ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम जो भी पोजीशन मेजर करते हैं वो ओरिजिन से मेजर करते हैं, दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या होगा, फिक्स होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, तो यही पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आर आई होगा, और वही कितना होगा, आर आर होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपका फ्रेम है जो एस प्राइम है वो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अगर ऊपर से देखो तो आपको कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, ये जो पार्टिकल है वो फिक्स है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, पार्टिकल फिक्स है अपनी जगह, ठीक है। तो इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका वेलोसिटी जीरो है ना, तो अगर हम इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, उसको क्या लगेगा कि ये एक लीनियर वेलोसिटी माइनस ओमेगा क्रॉस ऑफ आर, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस ऑफ आर से उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिस तरफ वो रोटेट कर रहा है वो पार्टिकल वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो जो लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस ऑफ आर, ये होता है। तो यहां पर ये उसके जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, ये क्या है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उसको ये लगेगा, ठीक है, उसको ये लगेगा कि ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब सुनो, अब इतना केस हुआ, ये समझ है। अब हम क्या मान के चलते हैं, मान लो ये पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वी के साथ,
किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, मान लो इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी है, तो वो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी होगा। समझ रहे हो ना, पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इनर्शियल में भी और नॉन इनर्शियल में भी, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम में जो इसका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका डी आर अपॉन डी टी और आई, ये इनर्शियल फ्रेम का। और नॉन इनर्शियल के केस में कितना होगा, डी आर ये वेक्टर अपॉन डी टी आर, ये नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब ये स्टेशनरी था है ना, किसी एक पोजीशन पर फिक्स था, तो इस रोटेटिंग फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को क्या लग रहा था कि एक लीनियर वेलोसिटी माइनस ओमेगा क्रॉस ऑफ आर से उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके बीच में एक रिलेशन लिखें कि वेलोसिटी इन रोटेशनल फ्रेम और वेलोसिटी इन इनर्शियल फ्रेम, तो वो रिलेशन कैसा होगा, वो रिलेशन होगा आपका कुछ ऐसा, डी आर अपॉन डी टी नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम में कितना होगा, एक तो इनर्शियल फ्रेम में जितना है प्लस में उसको जितना एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डी आर ये वेक्टर है ओवर डी टी इनर्शियल माइनस ओमेगा क्रॉस ऑफ आर, ठीक है। ये तो एक्चुअल में है जो इनर्शियल फ्रेम वाले को लग रहा है, ठीक है, और ये इसको ऑलरेडी लग रहा है, जब वो आपका स्टेशनरी था तब भी उसको लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल वेलोसिटी इसको जो लगेगा वो क्या लगेगा, ये प्लस ये, ठीक है। तो ये माइनस साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लगेगा कि आ रहा है, ठीक है। अब सुनो बात क्या है कि ये आपका क्या बना है, देखो यहाँ भी आपको आर दिख रहा है, यहाँ भी आर दिख रहा है, यहाँ भी आर दिख रहा है, तो ये क्या बना, एक ऑपरेटर बना। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन वन बोलूँ, ठीक है, है ना, तो देखो यहाँ से ये क्या बना, d ऑफ dt r आर इक्वल्स टू डी ऑफ dt i माइनस ओमेगा क्रॉस ऑफ, है ना, ये समथिंग है ना। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो, यहाँ पर कोई और ऑपरेटर a लगा सकते हो, सॉरी वेक्टर a लगा सकते हो, या आपका एक ऑपरेटर बन गया, ठीक है। ऑपरेटर किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा और आपको जो भी क्वांटिटी चाहिए वो देगा, ठीक है। और ये ऑपरेटर क्या बताता है, ये बताता है रिलेशन बिटवीन एस प्राइम फ्रेम और एस फ्रेम, ठीक है, और उस वेक्टर के टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। कोई भी वेक्टर है जो एस प्राइम में भी और एस में भी है, तो उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा, उनके टाइम डेरिवेटिव का रिलेशन कैसा होगा, वो ये ऑपरेटर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी वेक्टर यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर देखो आर कॉमन है, तो यहाँ पर आर की जगह हम वेलोसिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ वी आई के लिए, ठीक है, जैसे हमने आर के लिखा वैसे ही हमने ये मैं वी आई के लिए लिख देता हूँ, तो ओमेगा क्रॉस ऑफ वी आई, वी आई क्या है, वेलोसिटी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू बोल देता हूँ मैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या कहता है कि ये क्या होगा, वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम, तो उसको मैं वी आर से डिनोट कर दूँ, वेक्टर है, इक्वल्स टू वेलोसिटी इन इनर्शियल फ्रेम माइनस ओमेगा क्रॉस ऑफ आर, ये होगा। हमें वी आई का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से वी आई का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वी आई वैक्टर उसका वैल्यू आएगा वी आर प्लस में ओमेगा क्रॉस ऑफ आर। यहाँ से इस vi का जो वैल्यू है वो हम किस में रख देंगे, इस इक्वेशन टू में रख देंगे। कैसे रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर रखेंगे, इसको हम ऐसा कैसा एज इट इज रख लेंगे, तो इसको मैं इधर ले आऊँ, डी वी आई ओवर डी टी आई इक्वल्स टू, ये इस तरफ आ गया, तो डी ओवर डी टी, यहाँ पर मैं vi का वैल्यू रखूँगा तो कितना आएगा, वी आर प्लस में ओमेगा क्रॉस में वैल्यू आ गई आर, आर प्लस में ओमेगा क्रॉस ऑफ वी आई का वैल्यू अगर मैं रखूं तो वी आर प्लस में ओमेगा क्रॉस ऑफ आर, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर देते हैं, ये ऐसा कैसा डी वी आई ओवर डी टी आई, यहां पर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव करूं तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगा डी वी आर ओवर डी टी, ठीक है, आर प्लस में ये u इंटू वी से बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, इसका कर देते हैं,
तो ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी आर प्लस में ऑर्डर मेंटेन रहे तो कितना आएगा डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस में आर, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया। प्लस में यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट खोल देते हैं तो ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस में ओमेगा क्रॉस आर, ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या बना हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इसको मैं किससे डिनोट कर दूं, ए आई से, ठीक है। ये क्या बनेगा एक्सेलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये क्या होगा आपका ए आर, ठीक है। ये क्या बनेगा प्लस में ओमेगा क्रॉस, ये क्या बनेगा वेलोसिटी इन रोटेशनल फ्रेम, तो वी आर। प्लस में ये क्या होगा डी ओमेगा और डी टी ओमेगा डॉट, तो इसको मैं क्या लिख दूं ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर। प्लस में ये क्या बना ओमेगा क्रॉस ऑफ वी आर प्लस में ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ए आर का वैल्यू निकालूं तो ए आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, पूरा का पूरा को इधर ले आऊँ, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, ये वाली और ये वाली, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ए आई माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी आर, ठीक है, पहला। दूसरा आ जाएगा मेरे पास माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। फिर तीसरा ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। इस टर्म को बोला जाता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है। इस टर्म को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और ये है ऑयलर एक्सेलरेशन, ऑयलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको अगर मैं फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो दोनों तरफ मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आएगा एम इंटू ए आर इक्वल्स टू एम इंटू ए आई माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर माइनस एम ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो एक वैल्यू आया है ये कहलाता है आपका ऑयलर फोर्स। अब देखो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन गया, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये बना आपका ऑयलर फोर्स, ये बना आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये बना आपका कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो एम इंटू ए आर है, हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी फिक्टिशियस फोर्स की, ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स और स्यूडो फोर्स, तो वहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आया था, हम उस रिलेशन को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। वो रिलेशन आया था हमारे पास एफ एन नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व्ड फोर्स कितना आएगा एफ आई प्लस में एफ नॉट, ठीक है। एफ आई क्या है इनर्शियल फ्रेम में फोर्स और एफ नॉट क्या है फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एफ एन है वो कितना होगा ये एम ए आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ एम ए आर किसके इक्वल होगा एफ आई जो किसके इक्वल है एम ए आई के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूँ एम इंटू ए आई प्लस में एफ नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गया मेरे पास कितना आ गया एम ए आई से एम ए आई कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास एफ नॉट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस ऑफ वी आर माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर माइनस एम ओमेगा डॉट क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो एफ नॉट क्या होता है फिक्टिशियस फोर्स, तो अब देखो अगर कोई बॉडी विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है, ओके यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं बोलना चाहिए, अभी एंगुलर वेलोसिटी अगर वो चेंज हो रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, चेंज नहीं हो रहा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है तो उस केस में तीन फिक्टिशियस फोर्स होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं। पहला
कौन सा है? कोरियोलिस फोर्स, दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीसरा है आपका ऑयलर फोर्स। ठीक है, इफ अगर मैं बोल दूं, इफ इन केस ऑफ अर्थ इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा डॉट इक्वल्स टू जीरो डी ओमेगा और डी टी। तो उस केस में जो एफ नॉट है, फिक्टिशियस फोर्स है, वो दो फोर्स बच जाते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही बचाते हैं, ये वाला वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। ये कौन सा है, कोरियोलिस फोर्स, और ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और बात, जैसे हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई कोई भी पार्टिकल है वो किसी भी एक सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर मूव करता है तो वो एक फोर्स फील करता है। ठीक है, अगर आप उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हो तो वो एक फोर्स फील करता है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड। ठीक है, तो ये बताओ आपका जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है ना, हम यहाँ पर है, ठीक है, हम यहाँ पर है, इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर ही तो रोटेट कर रहे हैं, और हम खुद को हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, तो हमें वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नहीं फील होता? क्वेश्चन जायज है, बिल्कुल सही है कि आपका अर्थ रोटेट कर रहा है, कर रहा है, हम उसके सरकमफेरेंस पे हैं, हम किसी और फ्रेम से तो देख नहीं रहे, हम उसको उस रोटेटिंग फ्रेम में ही देख रहे हैं, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नहीं फील होता, वो हम यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि ये जो वैल्यू है ये किसको डिफाइन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसका डायरेक्शन आपको बताता हूँ, ये हमारे के यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं मानूँ ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया आपका इक्वेटर कुछ इस तरह से, है ना, ये हो गया अर्थ का सेंटर, और ये जो यहाँ से मैं फ्रेम बना देता हूँ, ठीक है, कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं जो कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर वेक्टर, ये होगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, किस केस में, जब आप इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप देखते हो, नॉट इन रोटेटिंग फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम के केस में जो आपका एक्चुअल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किधर होगा, टुवर्ड्स द अर्थ, कितना होगा, जी नॉट, और ये जो आर वेक्टर है वो किधर है, आउटवर्ड। ठीक है, और ये जो पार्टिकल पी है ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से फाइव। अगर मैं इसी वेक्टर को आगे बनाऊं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आएगा, ये एंगल कितना आएगा, फाइव, और ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालूँ, ए आर का वैल्यू, है ना, अर्थ के केस में ये वैल्यू जीरो हो जाएगा ओमेगा डॉट का, तो ये जो ए आर का जो वैल्यू है वो कितना होगा, ए आई माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, यहाँ पर हम एक और बात मान लेते हैं, क्या वी आर का वैल्यू जीरो है, वी आर क्या है कि ये जो रोटेटिंग फ्रेम है इसके रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल कहाँ पर है, रेस्ट पर है, समझ गए कि पार्टिकल कहाँ पर है, रेस्ट पर, जैसे मेरे रिस्पेक्ट में ये टेबल या फिर ये बोर्ड सब रेस्ट पर है, तो बिल्कुल कुछ इसी तरह से वी आर का वैल्यू हम जीरो मान लेते हैं, तो कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए आर है वो कितना होगा, वो होगा आपका ए आई का वैल्यू मैं जी नॉट मान लेता हूँ अर्थ की तरफ, इसका वैल्यू मैं जीरो मान लेता हूँ, माइनस ये क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो ये मैं मान लेता हूँ कि जो अर्थ है वो कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, रोटेशन का डायरेक्शन ऐसा होगा। अब सुनो यहाँ से ओमेगा का डायरेक्शन कौन सा होगा, राइट हैंड कर्ल रूल, तो जो ऐसे रोटेट कर रहा है तो हम राइट हैंड की अंगुली ऐसे कर्ल कर देंगे, ये ओमेगा का डायरेक्शन, तो यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो हमें इसका डायरेक्शन बताना है। ठीक है, इसका डायरेक्शन देखो कैसे होगा, ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा आर वेक्टर उधर है, तो ये मैं ओमेगा मान लिया ऐसे, और आर वेक्टर की तरफ अंगुलियां मोड़ दो, तो ये किसका डायरेक्शन बताएगा, ओमेगा क्रॉस ऑफ आर का बताएगा।
दोबारा बता रहा हूँ, ओमेगा की तरफ आप हाथ कर लो, आर की तरफ अंगुलियां मोड़ दो। तो ओमेगा की तरफ हाथ किया, आर की तरफ अंगुलियां मोड़ दी, और ये थंब किसका डायरेक्शन बताएगा? इस वेक्टर का, ओमेगा क्रॉस ऑफ आर। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें ओमेगा क्रॉस दिस वेक्टर, ठीक है, तो ये वो वेक्टर है उसका ओमेगा के साथ, तो ओमेगा अपवर्ड है। तो यहाँ से देखो, तो सबसे पहले मुझे ओमेगा की तरफ हाथ करना पड़ेगा और इस वेक्टर की तरफ मोड़ दूँ। तो ओमेगा की तरफ मैं हाथ करूँ तो ऐसे कर दूंगा, इस वेक्टर की तरफ मोड़ दूंगा। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मुझे किसका डायरेक्शन बताएगा? इसका, ओमेगा क्रॉस ऑफ आर। तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, समझ गए? और अगर मैं यहां से एक वेक्टर डिफाइन करूं स्मॉल आर वेक्टर, जिसका डायरेक्शन उधर की तरफ है, आउटवर्ड है, ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू कुछ इतना आता है, जी नॉट माइनस इसका वैल्यू आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आर कोस ऑफ फाई, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सा आएगा अगर मैं इसको आई कैप डायरेक्शन बोलूं तो, ठीक है, ओके हाँ, और यहां से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जी नॉट माइनस आर कोस फाई का वैल्यू आर आएगा। यहां से आप देखो इसको कंपोनेंट में तोड़ के आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, आप कंपोनेंट में तोड़ो वैल्यू आ जाएगा यहां से, तो जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये वैल्यू आता है, ठीक है। अब अगर आप इस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू निकालते हो, ठीक है, और उसको इस जी नॉट से कंपेयर करते हो, समझ गए, इसका वैल्यू आप जी नॉट से कंपेयर करते हो तो वो आता है सिर्फ 0.3% ऑफ जी नॉट, समझ गए। तो ये किसको डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा हमें वो उतना ही फील होगा, क्योंकि बस जब हम बस में या कार में ट्रैवल करते हैं वो एक कर्व्ड पाथ पर जाता है, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ठीक ठाक फील हो जाता है ना। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो इस जी नॉट के कंपेयर में सिर्फ 0.3% है, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना। तो इसलिए हमें ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है अर्थ के केस में वो फील नहीं होता है, ठीक है। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो देखो कौन सा टर्म था, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म कब आता है, जब आपका पार्टिकल किसी एक वेलोसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, उस केस में आपका क्या आता है, कोरियोलिस फोर्स आता है। जो हमने शुरुआत में बात की थी कि आप दिल्ली से विशाखापट्टनम की तरफ कोई पार्टिकल फेंकते हो, कोई बॉल फेंकते हो, तो विशाखापट्टनम में ना जाके वो कहाँ पे गिरेगा, हैदराबाद में गिरेगा या फिर बीच में किसी और रास्ते पर, ठीक है। तो ये कब आता है, जब आपका पार्टिकल किसी एक वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसी केस में क्या होता है, आपका कोरियोलिस फोर्स आता है, तो जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपने ये देखा होगा प्लेग्राउंड्स में बच्चों की एक वो टेबल, टर्निंग टेबल, जिसको जो क्या करती है, आपका रिवॉल्व करती है ना, कुछ इस तरीके से। देखो अगर मैं उसको ऊपर से बनाऊँ तो कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे रहते हैं ना, और कोई इस टेबल को क्या कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है ना। तो लेट अस से ये आपका टेबल कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये बच्चा, ठीक है, इसको कोई बॉल फेंकता है, ठीक है, ये बच्चा इसको बॉल फेंकता है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वी, ठीक है, तो ये बॉल इसके पास ना पहुँच के वो कुछ इसके पास पहुँचेगी, ठीक है, वो बॉल सीधा इसके पास नहीं पहुंचेगी, इसके पास पहुंचेगी, क्यों, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स उसी केस में आता है जब आपका बॉडी किसी एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, उस केस में आपका क्या आता है, कोरियोलिस फोर्स आता है, ठीक है। तो देखो जिस वेलोसिटी के साथ उसने फेंका, तो जितने टाइम में पहुंचेगा उतने टाइम में ये बच्चा यहां पे ना मिलके उसको यहां मिलेगा, और ये बच्चा यहां ना होके यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉल इसके पास ना पहुंच के इसके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो ये है कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कोरियोलिस इफेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।